इस वीडियो में हम हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में होने वाली क्वालिटी की कुछ खामियां या उसको चेक करने का तरीका और उन्हें सुधारने के तरीके के बारे में जानेंगे। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ब्लॉक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही साइज और सही स्पेसिफिकेशंस का हो। जो भी हमें कस्टमर ने डिज़ाइन मांगा है हैंड ब्लॉक पे वही डिज़ाइन उकेरे गए हो। कस्टमर ने हमसे जिस भी कपड़े के ऊपर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड किया है हमें चेक करना चाहिए कि हम वही कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या नहीं। कपड़े का कलर और उसका फैब्रिक टाइप हमें ध्यान से चेक करना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि कपड़े के ऊपर हम जो कलर लगाने वाले हैं वो आपस में कॉम्पेटेबल हैं या नहीं है। कपड़े के कलर, कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर इंस्ट्रक्शंस के साथ मैच होने चाहिए और जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट हमें चाहिए वो हमें पहले ही अरेंज कर कर रख लेने चाहिए इससे पहले कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रोसेस हम स्टार्ट करें। हमें प्रेस को उसी टेम्परेचर पर सेट करना चाहिए जो कि हमें कपड़े और डाई के जो सप्लायर हैं हमारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हों। हमें ना तो ज़्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल करना चाहिए ना ही कम। और जब भी हम हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट करें तो हमारा जो कपड़ा हो वो साफ होना चाहिए और उसके अंदर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में जो सामान्यतः खामियां पाई जाती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि गलत कपड़े का सिलेक्शन कर लेना या गलत डाई का सिलेक्शन कर लेना, कपड़े के ऊपर से झुर्रियों को ना हटाना, कपड़े को सही से टेबल के ऊपर ना लगाना, डाई पेस्ट को सही तरीके से मिक्स ना करना, गलत सेट का इस्तेमाल करना, रेख, दत्ता और जो बैकग्राउंड होता है हमारा उसके लिए, कपड़े को सही तरीके से हैंडल ना करना, प्रिंटिंग करने के दौरान और प्रिंटिंग के बाद जो कलर है वो अगर अलग और जगहों पर भी ट्रांसफर हो जाता है तो ये भी एक खामी है। कपड़े का पैटर्न का या साइज का या शेप का बिगड़ जाना प्रिंटिंग के दौरान, इससे भी खामियां पैदा होती हैं। कपड़े की गलत साइड के ऊपर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कर देने से भी समस्या होती है और अलग-अलग जगह पर शेड डिफरेंस आ जाना। यदि आप एक ही बार में पूरा कलर तैयार करते हैं तो शेड डिफरेंस नहीं आता, लेकिन अगर आप एक बार प्रिंटिंग करने के बाद और फिर दोबारा कलर बना के बाकी की प्रिंटिंग करेंगे तो वहाँ शेड डिफरेंस आ जाता है। और रॉ मटेरियल में नॉन यूनिफॉर्मिटी होना, मतलब अभी आधा कुछ मटेरियल यूज़ किया आपने और आधे कपड़े पे दूसरा मटेरियल यूज़ करें तो उससे भी समस्या पैदा हो जाती है।